अमित जी, एक सवाल और। इस चुनाव के पहले दो सीएम जो है अरेस्ट हुए हैं, केजरीवाल जी अरेस्ट हुए, वो तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी भी अंदर हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से टाइमिंग ऑफ अरेस्ट पर क्वेश्चन उठाया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सप्लेन करेगी जी, मगर मैं बताना चाहता हूं, ये हॉट समन के बाद हाजिर नहीं हुए। पहले समन में अगर आए होते तो चुनाव के 6 महीना पहले अरेस्ट हो जाते। बहुत बार समन्स दिया गया, वो आए ही नहीं। अब उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी कह रही हैं कि उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, वहां पे उनको ठीक से रखा नहीं जा रहा है, ये उनको मारने की साजिश है। देखो भैया जी, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, जिसके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है, तो क्या उनको मारने की साजिश वो स्वयं कर रहे हैं? वो कहते हैं कि वो डीजी प्रिजन्स जो है वो दिल्ली पुलिस को शायद रिपोर्ट करता है। जरा भी नहीं। अच्छा। प्रिजन सीधा दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करता है, तो इसमें आपका कोई वो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ऑपोजिशन ईवीएम के बारे में बहुत सालों से बात कर रही है, हर बार नारा लगाती है कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम की वजह से चुनाव जीतता है। अब आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये लोग ईवीएम की बात कर रहे हैं। देखिए, आप क्या ये कर पाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन? मैं पहले एक बात स्पष्ट कर दूं जी, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो सोच विचार कर नहीं बोलते हैं। अगर हम ईवीएम के कारण जीतते हैं तो तेलंगाना में क्यों हारे, तमिलनाडु में क्यों हारे, केरल में सालों से क्यों हार रहे हैं, हिमाचल में क्यों हारे, बंगाल में क्यों हारे? या तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए कि ईवीएम से आए नतीजों में हम जीतते हैं तो भी शपथ नहीं लेंगे। जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। किस प्रकार की राजनीति है भैया? जब आप जीतते हो तब ईवीएम सही है जी, जब हारते हो तो ईवीएम नकारा है। क्या देश की जनता ये सब नहीं समझती? क्या देश की जनता इसको समझती है? मगर मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इतनी बड़ी पार्टी अपने नेता के एडवाइजर क्यों नहीं बदलती है? मैं दूर से देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है। खैर छोड़िए, वो उनकी पार्टी का सवाल है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है जी, और हम उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करें। तो अगला चुनाव 2029 वन नेशन वन इलेक्शन होगा? देखिए, तो संसद को निर्णय करना है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जरूर प्रयास करेगी और उसको जमीन पर उतारेगी। अमित जी, थोड़ा हटते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट पर एक आर्टिकल आया है, उसमें जो है उन्होंने कहा है कि रॉ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ प्लॉट कर रही थी कुछ टेररिस्ट को यूएस में मारने का वहां पे, और उन्होंने कहा ये जो है ये डार्क साइड ऑफ मोदी सरकार है। इसका पहले कनाडा में भी आपको पता है? देखिए, इस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर, इतनी गंभीरता से मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई कॉन्क्रीट आरोप है तो एजेंसियां उसका जवाब देगी। अगर कोई सरकार डिप्लोमेटिक मेथड से हमारे साथ चर्चा करती है तो हम इसका जवाब देंगे। कनाडा में निज्जर के मर्डर पे भी ये बात हुई थी कि जो है ऐसे आरोप मीडिया में लगने से मैं नहीं मानता कोई गंभीर सवाल खड़े होते। इसी से जुड़ा हुआ एक और रिपोर्ट आई थी, वो गार्डियन पब्लिकेशन में थी, उसमें था कि पाकिस्तान में 20 टेररिस्ट को जो है इंडिया ने, फिर रॉ की बात थी, उस कुछ लोगों को इस्तेमाल करके वहां पे उनको मारा, टेररिस्ट को वहां पे मारा पाकिस्तान सॉइल में। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, किसने मारा ये तो ढूंढने का सवाल है, परंतु मैं इतना निश्चित रूप से मानता हूं कि ये तो एक्सपोज हो ही गया कि पाकिस्तान की सॉइल पर भारत में आतंक फैलाने वाले लोग थे। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, आपके काफी वरिष्ठ नेता भी कह रहे हैं कि अब ये भारत वो भारत नहीं रहा जो कि खड़ा होकर साइड से तमाशा देखेगा, ये भारत वो है जो घर में घुस कर मारता है। इस पर आपका क्या विचार? निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने के बाद पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना जवाब मिलता है। ये वेस्टर्न प्रेस में पिछले कुछ महीनों से तमाम आर्टिकल आ रहे हैं जो कि
भारत में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, तानाशाही, तमाम तरह की बातें करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कोई इसमें, ये इलेक्शन के समय में ये जो बार बार पिछले तीन चार महीनों में आता है, इसमें कोई आप साजिश देखते हैं? या साजिश बाजिश छोड़ दीजिए, मैं बड़े गौरव और विश्वास के साथ कह रहा हूं, हमारा लोकतंत्र, हमारी लोकतांत्रिक पद्धति और हमारा चुनाव तीनों दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। अमित जी, कश्मीर पर एक सवाल, क्या कश्मीर पे बीजेपी कश्मीर में चुनाव लड़ेगी? आपने कहा है कि आप वहां पर आवाम का दिल जीतना चाहते हैं, तो ये सीधा सवाल है, इसका आप क्या जवाब देंगे? अभी पार्टी ने तय नहीं किया है, पार्टी तय करेगी, परंतु हम जम्मू में परंपरागत रूप से लड़ते ही रहे। कांग्रेस एक बात और कह रही है कि ये इसको लोकतंत्र की हत्या का वो दे रही है, कह रही है कि मुकेश दलाल निर्विरोध जो है चुन लिए गए सूरत से, अभी इंदौर में भी ऐसा हुआ है। देखिए, इस देश में 37 लोग निर्विरोध चुने गए और उसमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस के चुने गए, तब तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा। हर पार्टी ने अपने अच्छे कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए, अब कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती इनके कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, कार्यकर्ता हार देखकर मैदान से भाग जाता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है भाई? इनके उम्मीदवारों को टिकाने का काम हमारा नहीं है, उनका है। अभी एक मुद्दा और आज उठा है, जो है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक भारत विरोधी सभा अटेंड कर रहे थे, जहां खालिस्तान के नारे लगे, प्रो खालिस्तान नारे लगे, वहां पे प्रधानमंत्री और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो है पोस्टर लगे, जिसको कि कहा ये वांटेड हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे क्या कोई भारत कोई कड़ा विरोध करेगा? भारत सरकार ने वहां के राजदूत को आज समन किया था जी, और उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगा गया है, नाराजगी भी हमारी व्यक्त की है हमने। तो इस पर और कोई कार्यवाही की अभी नहीं, इसका जवाब आने के बाद आगे बात होगी। अमित जी, आप इतना दौर कर रहे हैं, आप आज तीन अलग अलग प्रदेशों से यहाँ आए हैं, उसके बाद आपने हमको इतना समय दिया, कल भी मैंने सुना है कि तीन राज्यों में जा रहे हैं, इसको आप कैसे, इस तरह का पनिशिंग शेड्यूल कैसे मैनेज करते हैं, और ये काफी महीनों से आप कर रहे हैं? ये सालों से आदत है भाई, कार्यकर्ता था तब, छोटे स्तर पर काम करता था तो भी दौरे होते थे, राज्य के होते हैं, अब देश के होते हैं। ऑपोजिशन की नींद उड़ाने में के लिए आप जाने जाते हैं, आप सो पाते हैं कि नहीं? मैं कभी नेगेटिव सोच के साथ काम नहीं करता, मैं मेरी पार्टी को जिताने के लिए काम करता हूं। हाँ, इससे किसी की नींद उड़ती है तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरी पार्टी को जिताना, मेरी पार्टी के लिए काम करना, ये मेरा दायित्व है और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करता हूं। अमित जी, आप हमारे संग जुड़े, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, साबरमती तट तक आप आए और यहां पे आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी।